जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फ्री नॉलेज 1998 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के लिए फिर से खुशखबरी लेकर आया हूँ। साथियों, आप सभी के लिए मल्टीटास्किंग एसएससी एमटीएस में आप सभी के लिए न्यू वैकेंसी जारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यदि आप एसएससी एमटीएस में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप सभी के लिए बस 2-3 दिनों में, फरवरी के माह में ही आपके लिए एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग में आप सभी के लिए न्यू वैकेंसी जारी होने वाली है। दोस्तों, एसएससी जो है, इसका जो नोटिफिकेशन 2020 में ही आने वाला था, पर 2020 में कोविड-19 के चलते इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यह भर्ती 2021 में आपको फरवरी में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है फरवरी में आपको देखने को मिलने वाला है, तो ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों, इसको मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है साथियों, आपको जो मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आपको फरवरी के माह में दिखने वाली है, स्टाफ नॉन टेक्निकल की। ठीक है साथियों, अब मैं इसके इम्पोर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ कि आपका जो है डेट कौन सा रहेगा। आपका जो डेट रहेगा 2 फरवरी, दूसरा महीना और 2021, ये आपका स्टार्टिंग डेट रहेगा। और दोस्तों, 5 फरवरी भी हो सकता है, इसका मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा कि 5 फरवरी भी आपका एग्ज़ाम वो ओपन डेट हो सकती करके। ठीक है साथियों, अब मैं इस क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 18/3/2021 इसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है साथियों, एग्ज़ाम का भी इसमें वेन्यू दिया गया है, एग्ज़ाम डेट का वेन्यू आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशी है दोस्तों कि आपके लिए एमटीएस की भर्ती आ रही है। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या क्या योग्यता है और कितनी पोस्ट आने वाली है, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे अपने इस वीडियो पर दूंगा। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल आगे वीडियो में देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, आप इसको पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हो। देखिए, ये पेपर के माध्यम से इसको एडवर्टाइज़ किया गया था कि एमटीएस कांस्टेबल जीडी के हज़ारों पदों की भर्ती फरवरी और मार्च में की जाएगी। ठीक है साथियों, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसकी और पूरी प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे साथियों, डिटेल ऑफ एसएससी एमटीएस वैकेंसी। ठीक है साथियों, इसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, 8000 आपको दिखने वाली है, 8000 पोस्ट इसमें आएगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दिखा हुआ है 7999 का। ठीक है साथियों, 7999 का। ठीक है साथियों, अब मैं इसको बता दूं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका जो जोनल वाइज किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सेंट्रल रीजन के लिए 910 पोस्ट है, इंटरल रीजन के लिए 856 पोस्ट है। तो आप इसको देख लीजिएगा साथियों, मैं आप वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर देख लीजिएगा। अभी मैं इसका टोटल पोस्ट बता देता हूँ आपको, 7999 पोस्ट आपने को देखने को मिलने वाली है साथियों। अब हम एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, 18 से 25 ईयर ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है जनरल वाले का। जनरल वाले का ये 18 से 25 ईयर एज रहने वाला है। ठीक है साथियों, जो आपकी डेट होनी चाहिए साथियों, 2/8/1995 से आपकी जो एज है रहनी चाहिए, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा दोस्तों, 2/8/1995 से 1/8/2002 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें ओबीसी और ओबीसी वाले की एज लिमिट की बात करते हैं। ओबीसी वाले का 18 से 27 ईयर तक होने वाला है, आप देख सकते हो, और एसटीएससी का जो रह और एसटीएससी का रहने वाला है उनको छूट दी जाएगी दोस्तों, उनको 5 ईयर की छूट दी जाएगी, और जो है ओबीसी वाले को 3 ईयर की छूट इसमें मिलने वाली है। तो हम आप बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दोस्तों, तो इसमें आपका नॉर्मली 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यदि आप 10th पास हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है साथियों, अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका जनरल ओबीसी का 100 रुपये लगने वाला है, और एसटी और एससी का कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है साथियों, तो आपको मैं पूरा ये बता दिया हूँ दोस्तों कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है। अप्लाई डेट ही बता दिया हूँ कि 2 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है, और इसका मैं ऑफिशियली नोटिस भी दिखाऊंगा आपको कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है, वो आपका आपको शॉर्ट नोटिस दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। आपको मैंने बताया था 2020 के चलते इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, वो 2021 में किया गया है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर इसको शेड्यूल आपको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। अब आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 विच इज़ शेड्यूल टू बी पब्लिश्ड। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, दो
2 2021, मतलब फरवरी के माह में पब्लिश्ड होगा और विल बी पब्लिश्ड ऑन 5/2/2021, 2 तारीख को या 5 तारीख के तक इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है साथियों, ये इसका पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन था, जो कि आप इसके यदि जानना चाहते हो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इसको आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन को आप अपने मोबाइल पर भी देख पाओगे। ठीक है साथियों, तो ये था दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का माहौल है कि एसएससी एमटीएस में 8000 पोस्ट के लिए आपके लिए भर्ती आने वाली है। तो आप तैयारियां करिए, आपको ये वैकेंसी जल्दी देखने को मिलने वाली है। ठीक है साथियों, साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो के अपडेट आपको सही समय में मिलती रहे। दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता तो प्लीज़ हमारे आप हमारे वीडियो पर नीचे कॉमेंट कर सकते हो और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, जय हिंद।